आप ही हो? जी मैम। क्यों बुलाए थे आपने? आपको क्यों ऐसा देख के लग रहा है कि देखे देखे हो आप? एक वीक पहले मेरे घर खाना फूड डिलीवरी आपने किया था। जी मैम, पार्ट टाइम करता हूँ मैं। क्या करते हो? पार्ट टाइम करता हूँ, बाकी टाइम मैं मेरा अपना बिजनेस है। तो अपना बिजनेस से टाइम कैसे निकाल लेते हो फूड डिलीवरी के लिए? निकाल लेते हो मैम। निकाल लेते हो? तो फूड डिलीवरी करने के लिए आपको पासवर्ड की क्या ज़रूरत होती है? वो डिलीवरी करते टाइम अपने को ओटीपी लगता है। ओटीपी लगता है? तो वन टाइम ओटीपी भेजते हो आप? फिर वो मैसेज भी कैसे एम्प्टी हो जाता है वहाँ बॉक्स से, इनबॉक्स से कैसे, मतलब मैसेज कैसे गायब हो जाता है? अगर आप भेजते हो वन टाइम पासवर्ड आप भेजते हो तो कैसे वो डिसअपीयर कैसे हो जाता है? आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? जी मैम। कैसे डिसअपीयर कैसे हो जाता है उसमें मुझे क्या लेना देना है? आपको कैसे कोई लेना देना नहीं है, आपको तो फुल लेना देना है। आपको क्यों नहीं लेना देना, कैसे नहीं है भाई? मैसेज आप करते हो, ओटीपी आपको चाहिए होता है, फिर आप बोल रहे हो कि आपको पता ही नहीं है। उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा मैं एक सीधा सीधा आपसे बात पूछ रही हूँ कि आप फ्रॉड कर रहे हो? मेरे पास प्रूफ है, इसलिए ज़्यादा आप स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। आप कैसे लोगों के वॉलेट से कैसे पैसे निकालते हो आप? अरे आपको गलत फहमी है। मैं गलत फहमी है मुझे? आपको स्माइल, आपको हंसी आ रही है मेरी बातों पे? मैं मजाक कर रही हूँ आपसे, मैंने मजाक करने के लिए आपको यहाँ पे बुलाया है? नहीं मैम। आपका नंबर मेरे पास कैसे आया? मैंने आपको दूसरे नंबर पे फ़ोन किया था, पहले नंबर पे नहीं किया था। जो आप फूड डिलीवरी में यूज़ करते हो मैंने उस पे नहीं किया था, मैंने आपके दूसरे वाले नंबर पे फ़ोन किया। तो आपको क्या लगता है कि आपका नंबर मेरे पास कैसे आया है? कैसे आया मेरे पास? मैं जानती हूँ आपको। तो फिर जो मैं आपसे पूछ रही हूँ वो मैं गलत पूछ रही हूँ आपसे? मतलब आप कैसे लोगों के पैसे कैसे निकालते हो आप वॉलेट से? अकाउंट तक तो आप नहीं जा पाते हो, इतना तो बात मुझे पता है। वॉलेट से कैसे निकालते हो पैसे? आपको उससे क्या है मैम, मेरा तो अपना बिजनेस है, मैं ऐसा सब काम क्यों करूँगा? मेरे पास तो खुद ही अपना ऐसा बिजनेस है कि मैं इसमें, आप भी क्या ही बोल रहे हो मैम? तो वही तो मैं पूछ रही हूँ कि तो ऐसा क्यों करते हो आप? ऐसा कुछ करता ही नहीं मैम। आप या तो आप खुद ही बता दो कि आप क्यों करते हो, अदरवाइज मैं पुलिस को बुलाती हूँ, वो आपसे पूछताछ करेंगे तो फिर आप ज़्यादा अच्छे से बता पाओगे। क्या लग रहा है आपको, इजी कौन सा लग रहा है, क्यों करते हो आप ये सब? वो पूछ लेंगे ना आपसे, अच्छे से बता पाओगे आप, फिर वहाँ आपकी स्माइल भी निकलेगी। आप क्यों मतलब कि इस मैटर में पड़ रहे हैं? क्यों, आपने मेरे भी तो पैसे लिए हैं और मात्र आपने 200 रुपए लिए हैं। आप मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं, आप क्यों इसमें? आपको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ ना, लेकिन ये बात सच नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आपको पता नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं अभी पुलिस को फ़ोन कर सकती हूँ, मैं अभी के अभी आपको जेल भेज सकती हूँ, अभी के अभी आपका मैं करियर ख़राब कर सकती हूँ, अभी के अभी आपका बिजनेस बंद हो सकता है, आपका लाइफ बर्बाद हो सकता है, मैं ये कर सकती हूँ। अब देख लो, अभी बताऊँ मैं आपको, कहाँ से सीखा आपने ये? मैंने राजस्थान से सीखा था। कहाँ से सीखा? राजस्थान से। और कौन करता है, किसने सिखाया? मैंने ही नहीं, बहुत लोगों ने सिखाया, तो बहुत लोग करते हैं ऐसा। बहुत लोग करते हैं। हाँ। कभी फंसे हो लंबा? नहीं। फंसोगे फिर? मतलब आपको नहीं लगता कि बहुत सारे गरीबों का भी पैसा हो सकता है ना, जो आप 200 निकालते हो वो फूड डिलीवरी करते, फूड डिलीवरी के बहाने से आप लोगों तक पहुँचते हो, ओटीपी भेज करके उनका पूरा अकाउंट जो उनके वॉलेट में जितने रहते हैं वो सब साफ कर देते हो, गलत बात है ना ये? कौन कौन है आपके साथ? अभी तो मैं अकेला ही। अभी आप अकेले हो, कितने लोग करते हैं ये सब? बहुत लोग सीखे थे, मैं भी सीखा था, बहुत लोग सीख रहे थे वहीं पे। तो आपको शर्म नहीं आती है ये सब काम करने में? जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन सोचा है कि क्या होगा तुम्हारे लाइफ का? देखो मुझे तो असलियत पता है आपकी, अगर मैं पुलिस को फोन करके आपकी सारी असलियत बताऊँ तो क्या होगा आपके साथ? क्या लगता है आपका करियर खराब हो सकता है या नहीं हो सकता है? अब भी पूछोगे मेरे से कि मैं क्या कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ? तो फिर आपको नहीं करना चाहिए ना ऐसा फिर। और आप मेरे से चोर से बात कर रहे हो कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो। आपको इतनी बात समझनी चाहिए कि मैंने अगर आपके दूसरे नंबर से आपको रीच आउट किया है, मतलब मुझे पता है आपके बारे में। कितने लोगों के पैसे लेते हो आप? ज़्यादा थोड़ी कर पाता हूँ, मुश्किल से दिन भर में एक आधे लोग का हो पाता है मेरा, एक दो लोग का बस। ज़्यादा नहीं कर पाते हो, और भी आपके ग्रुप में जो होंगे वो तो ज़्यादा कर पाते होंगे ना? किसी का लॉस हो रहा होगा, किसी को पैसे की नीड होगी, वो पैसे आप लोग ले रहे हो तो गलत है ना ये? आपने जहाँ से सीखा उसकी इन्फॉर्मेशन दोगे मुझे तो मैं छोड़ दूंगी आपको, मतलब आपके बारे में मैं आगे नहीं करूंगी।
अदरवाइज मैं आपको भी करूँ। नहीं मैं दे नहीं सकता, वहाँ मेरा करियर खराब हो सकता है। करियर तो वैसे भी खराब है आपका, देख लो। नहीं, नहीं, मैं, वो, अगर आप मुझे कोऑपरेट नहीं करोगे ना, मेरी बात सुनो, क्या नाम है आपका? प्रकाश। प्रकाश, असली नाम बताओ जो मुझे पता है। प्रकाश तो वो आपका ये नहीं, जो असली नाम है वो बताओ जो आपका है। ये तो आपने दिखावटी नाम बना रखा है ना, फ्रॉड करते हो आप इस नाम से। दूसरा असली नाम बताओ आपका, क्या नाम? असली नाम है ये, 100% श्योर हो आप? फिर सचिन राजपूत किसका नाम है, वो किसका नाम है? देखो करियर तो आपका वैसे भी खराब है, आप मुझे कोऑपरेट नहीं करोगे तब भी आपका करियर खराब है। मैं पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, आप देख लेना, उसके बाद आप अपना डील कर लेना। आप अगर मुझे अभी कोऑपरेट करोगे तो हो सकता है कि आप बच जाओगे। देखिए मैं वो बता नहीं सकता मैंने कहाँ से सीखा, क्योंकि वो क्यों नहीं बता सकते हो? नहीं मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि वो पीछे से मेरे फैमिली वाले को परेशान कर, फैमिली वाले की सेफ्टी मैं रखूँगी ना ध्यान में, वो पुलिस वाले हैं ना उसके लिए। इतने लोगों के साथ आपको अपनी फैमिली दिख रही है, इतने सारे लोगों के साथ गलत होता हुआ नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है आपको? देखो अगर आप मुझे कोऑपरेट नहीं करोगे तो पुलिस के साथ आप डील करोगे। इट्स ऑल अबाउट यू कि आपको क्या करना है, या तो आप पुलिस के साथ डील कर लो या फिर आप मुझे कोऑपरेट कर लो। अगर आप मुझे कर लोगे तो हो सकता है आप बच जाओगे, हो सकता है कि आप बच जाओगे आपके बारे में कि चलो आपने जैसे भी किया आपने इन्फॉर्मेशन तो दी, बाकी लोगों की इतनी बचाई, हो सकता है कि छोटे मोटे चीज़ों में बच जाओ आप। लेकिन आप इंटेंशनली अगर ये सब कर रहे हो तो फिर तो बचने का कोई चांस ही नहीं है आपका, करियर वैसे भी आपका ख़राब है। और मैंने ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी कर ली है, सामने कैमरा है, अब देख लो सब आपके ऊपर है। करोगे कोऑपरेट? अगर कोऑपरेट करोगे तो बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे, जो बड़े बड़े क्राइम कर रहे हैं वो भी पकड़े जाएंगे, गरीब लोगों का भला हो जाएगा। किस बात से डर रहे हो, बदनामी से? हाँ तो उससे कुछ नहीं होता है आपको, चलो समझ में तो आया। जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे उनको पता है कि चलो आपने गलती करी, लेकिन अगर आप अभी जो कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा गलती कर रहे हो, ये माफ़ी के लायक नहीं है। आपको सब कुछ पता है, एवरीथिंग है, उसके बावजूद आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो। आपको काम की दिक्कत है, काम मिल जाएगा ना, उसकी गारंटी मैं देती हूँ। काम की दिक्कत है वो हो जाएगा, पैसे की दिक्कत है वो भी हो जाएगा, लेकिन जो इतने लोगों के साथ कर रहे हो वो तो गलत है। मैं जितने प्यार से आपको कोऑपरेट कर रही हूँ कि मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी करेगा आपके साथ। व्हाट डू यू थिंक, करोगे? बताओगे जहाँ से आपने सीखा है? जी बता सकता हूँ, लेकिन फैमिली के वो कुछ होना नहीं चाहिए पीछे। अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो क्योंकि फैमिली को, तुम फैमिली के लिए ही कर रहे हो ना ये सब? हाँ तो फैमिली में अगर मान लो कि अगर तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा तो तुम्हारी फैमिली का क्या होगा? तो तुम्हारा करियर अगर तुम्हें सेव करना है फैमिली के लिए तो देखो फिर करना पड़ेगा ना आपको कोऑपरेट। बाकी इस वीडियो को आप लोग देखें और शेयर कीजिए कि बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के चीज़ों में हैं और बहुत सारे लोगों का लॉस भी हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, आप अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखें। वन टाइम पासवर्ड तो कभी नहीं शेयर करें जब तक वो ऑथराइज पर्सन या फिर ऑथराइज वेबसाइट, ऑथराइज जो एप्लीकेशन है वहाँ से नहीं आ रहा है आपको। अदरवाइज हो सकते हैं कि कुछ लोगों के बारे में पता चले, कुछ लोगों के बारे में ना पता चले, वो स्टिल इस बात को कंटिन्यू करते रहे। और हमारे साइबर सिक्योरिटी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए।